एक और बात यहाँ पता चली कि ये भी थोड़ा हया के ख़िलाफ़ मसला है लेकिन आज की नई नौजवान नस्ल जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुफ्तला हो रही है जिसको ओरल सेक्स कहा जाता है और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि शरी मसाइल में चाहिए और इसको बयान करना ये हमारी जिम्मेदारी है तो ये चीज़ भी अंग्रेज़ी फिल्मों से और फोश फिल्मों से हमारी नई नस्ल में बहुत तेज़ी से सरायत कर रही है और लोग इस बारे में उलमा से बहुत ज़्यादा मसाइल पूछते हैं ख़वातीन भी पूछती हैं जो इस में मुबतला हैं तो इसका भी मसला याद रखें कि अल्लाह ताला ने हालत हैज़ में जोजा से हम बिस्तरी को हराम करार दिया क्योंकि उसमें गंदगी है बाप देखें कि वो गंदगी इस दर्जे की नहीं है जितनी औरल सेक्स में गंदगी होती है अगर उसमें डिस्चार्ज हो जाए बंदा इंसान जो हम बिस्तरी करने वाला है जोजा से वो मुँह में डिस्चार्ज हो जाए तो आप सोचें कि अल्लाह ताला शर्मगा को गंदगी से बचा रहे हैं जिसकी वजह से हैज़ की हालत में हम बिस्तरी को हराम करार दिया तो मुंह जिससे इंसान खाना खाता है जिससे कलमा पड़ता है और जो इंसान के जिसम में सबसे अशरफ वज़ु है सबसे ज़्यादा मुआज़ और मुकर्रम वज़ू है उसमें ऐसी गंदगी को डालना कहाँ से जायज़ हो सकता है कहाँ से हलाल हो सकता है तो आज बाज़ मतजद किस्म के लोग जो है ना इसको हलाल करार दे रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है तो ये बात खूब जहन में रखें कि औरल सेक्स के ज़रिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करना इस तौर पर के डिस्चार्ज हो जाए इंसान औरत के मुंह में बीवी के मुंह में ये बिल्कुल हराम है बिल्कुल नाजायज़ है क्योंकि मनी एक गलीज़ और नापाक और गंदगी गंदगी है और नापाक और नजस चीज़ है बाज़ हजरात ये कहते हैं कि मनी पाक है मगर याद रखें मनी के पाक होने के दलाइल मजबूत नहीं है मनी के नापाक होने के दलाइल बहुत मजबूत हैं सबसे पहली दलील कुरान मजीद में आता हैलम नखलोकुमां हमने तुम्हें गलीज़ और पलीत पानी से पैदा किया जलील पानी से पैदा किया है तो इसमें भी इशारा है कि मनी नापाक चीज़ है दूसरी बात यह कि हदीस में आता है कि कुंत अफ रकुलमनी अमीन फो भी रसूल अल्लाह वसलम फिर मई यूसल्फ़ी ही हज़रत आयशा रजी अल्ला फरमाती हैं कि रसूल अल्ला वसम के कपड़ों पर अगर मनी लगी होती थी सही बुखारी हदी से मैं उसको खुरश के साफ़ करती थी फिर आप नमाज़ पढ़ा करते थे अब बाज़ हज़रा ने यहाँ से इस किया है कि मनी अगर नापाक होती तो हजरत ऐशा उसको धोती खुरच के साफ़ करना इसकी अलामत है कि मनी पाक है लेकिन ये बात ग़लत है अगर मनी पाक होती तो हजरत आयशा को खुरचने की ज़रूरत नहीं थी बात यह है कि वो निजासत जिसका एक बाकायदी जिसम होता है और वो खुरच के जिसम से या कपड़ों से अलग हो सकती है तो उस निजासत को पाक करने का तरीक़ा यह है कि उसको खुरच दिया जाए नापाक थी तभी तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तह उसको बाकायदा खुरच रही हैं और दूर कर रही हैं और गीली मनी को नबी ये साबित है कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह तन आपल वसलम के कपड़ों से धोया करती थी और आपली वसम्म उसमें नमाज़ पढ़ा करते थे उमर रजी अल्लाह तन के दौर में किसी शख्स को इहतलाम हुआ तो उसने अपने पूरे जो है ना वो कपड़े धोए तो हज़रतमर ने उसको मना किया फरमाया कि इतना काफ़ी था कि उस जगह को तुम धो लेते तो इसमें भी हजरत उमर उसको बाकायदा धोने का हुक्म दे रहे हैं किसी भी साहबी ने इतराज़ नहीं किया कि यार या अमिरमुमिन आप इनको धोने का हुक्म क्यों दे रहे हैं मनी तो पाक है तो तो मनी के जो नापाक होने के दलाइल हैं वो बहुत मज़बूत हैं बाकी उसको जो खुरचने का हुक्म है वो इसलिए कि मनी के पाक जो अगर खुश्क हो जाए तो वो खुरच के भी पाक हो जाती है उसको फिर धोना ज़रूरी नहीं होता इसकी मिसाल ऐसे जैसे हदीस में आता है साहबा के नाम फरमाते हैं कि हमारे तलवारों में दुश्मन का खून लगा होता था तो हम उसको ज़मीन पर अच्छी तरह रगड़ के उसी को लटका के नमाज पढ़ते थे तो देखें खून भी ऐसी चीज़ है कि जो सूखने के बाद उसकी एक पापड़ी सी जम जाती है तो हालाँकि खून को भी नापाक माना जाता है जमहूरलम के यहाँ खून नापाक चीज़ है लेकिन साहबी क्या कर रहे हैं उसको रगड़ के ज़मीन पर और ख़ुश जो उसको अच्छी तरह रगड़ के जब उसका असर ज़ायल हो गया तो उसी को लटका के नमाज़ पढ़ रहे हैं तो जैसे खून नापाक होने के बावजूद रगड़ने से पाक हो जाता है अगर किसी ऐसी, ऐसी चीज़ पर लगा हो जो लोहे या ऐसी सख्त चीज़ पर तो ऐसे ही मनी अगर कपड़ों पर लगी हो खुश हो जाए तो उसको अच्छी तरह जब खुरश दिया जाए तो वो पाक हो जाती है लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि मनी पा नापाक सॉरी पहले से ही पाक है एक और दलील मनी के नापाक होने की यह है कि जो मदी है ट्रांसपेरेंट पानी जो मर्द के जिसम से निकलता है वो अगर जिसम से निकल जाए तो गुसल फ़र्ज हो जाता सॉरी वज़ू फ़र्ज हो जाता है और मनी निकल जाए तो गसल फ़र्ज होता है अब ये कैसी बात है कि मदी के निकलने से जिससे गुसल जिससे वज़ू फ़र्ज हो रहा है वो तो नापाक है और मनी निकलने से जब गुसल फ़र्ज हो रहा है बड़ी वाली तहारत तो उसको हम पाक करार दें इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा रही तक मज़हब मनी के बारे में कि यह नजास्त गलीज़ा है और इमाम मालिक का भी यही मजहब है ये मजहब बहुत दलाइल के लिहाज से कवी है तो इसलिए औरत के मुँह में डिस्चार्ज होना ये बिल्कुल हराम है नाजायज़ है गंदगी है इस्लाम में इसकी कतान इजाज़त नहीं है